अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन था। यहां 17 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। मतगणना 2 मई को होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत अन्य नेता प्रचार के लिए पहुंचे। किस तरह बिलख रहे थे, चीख रहे थे, आज भी हमारे मन में है। पर बहनों भाइयों, सुरेंद्र जीना जी को मैं विधानसभा से भी जानता हूँ। मुझे भी अवसर मिला उनके साथ में रहने का। प्रदेश अध्यक्ष था, विधायक था, ऐसे सरल और सौम्य, हंसमुख जब भी देखता था तो चेहरा मुस्कुराहट की तरह, और हंसते हंसते अपनी समस्याओं को विधानसभा के अंदर भी रखते थे, बाहर भी रखते थे, पूरी तरह लड़ते थे, झगड़ते थे। वहीं कांग्रेस की ओर से हाल ही में कोरोना से ठीक होकर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत अन्य नेता प्रचार में जुटे रहे। दोनों ही दलों ने चुनाव में जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो कोरोना की महामारी से जंग लड़ते हुए आज हमारे बीच में विराजमान, अपनी जान हथेली पर रख करके हरीश रावत जी इस सल्ट के विधानसभा उपचुनाव में आपसे ये निवेदन करने आए हैं, आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि सल्ट के मेरे लोगों, इस सरकार को बदल दीजिए और इस उपचुनाव के माध्यम से 2022 में कांग्रेस के आने का संकेत इस प्रदेश के अंदर देने का काम आप करें।